नमस्कार। सरकारी पॉलिटेक्निक भूजना मेकेनिकल डिपार्टमेंटना पांचमा सेमेस्टर में आपणे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट भणीए छीए। छेल्ला केटलाक समयथी आपणे इकोनॉमिक्स ने लगता केटलीक टर्मिनोलॉजी शीखीए छीए, એ આજે આપણે કન્ટિન્યુ કરશું। આપણે મેક્રો ટર્મિનોલોજી વિશે ગયા લેક્ચરમાં થોડું જોયું હતું અને એના પછી માઇક્રો ટર્મિનોલોજી કે બારે મેં સોચ રહ્યા હતા, તો યે દો ચીજ દેખ ચુકે થે ઓર ઇસકે બાદ વાલા કન્સેપ્ટ મેં શુરુ કરતા થા। યે ફિક્સ્ડ કોસ્ટ ઓર વેરિયેબલ કોસ્ટ ક્યા હોતા હૈ ઉસકે બારે મેં મેને બતાયા થા ઓર ઉસકે બાદ અભી હમ यहाँ पे शुरू करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। वैसे ब्रेक इवन पॉइंट एकदम इजी चीज है, लेकिन फिर भी ये कभी कभी हमें समझ में इसलिए नहीं आती है क्योंकि इसमें कुछ फैक्टर्स हम कंसीडर करना भूल जाते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट की वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में यही बोलते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस का जो पॉइंट होता है बिजनेस में, तो उसको ही ब्रेक इवन एनालिसिस में कंसिडर करके हम ढूंढते हैं सर। तो ब्रेक इवन पॉइंट और सीवीपी एनालिसिस दोनों कंबाइन करके हम एक मैं एग्जांपल देता हूं अभी आपको। समझ लीजिए कि आप एक यहां मिर्ज़ापुर गांव है, वहां आपने एक छोटा सा प्लॉट भाड़े पे रखा है और भाड़े पे रख के आपने उसका मतलब लाइट बिल ये सब कुछ अरेंजमेंट कर दिया है और आपका फिक्स्ड कॉस्ट पूरे साल का 72,000 रुपया है और 72,000 रुपया आपका पूरा कॉस्ट है और आपकी कैपेसिटी प्लांट की कैपेसिटी पाउच बनाने की एक दिन में आप समझो 1,000 पाउच बना सकते हैं। तो 1,000 पाउच आप बनाते हैं और वो बेच भी देते हैं, ऐसा समझते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस में। एक एज्यूम कर लेते हैं, कभी कभी समझो तो हमने चीज बनाई लेकिन हमें कभी कभी कस्टमर नहीं मिलते और ज्यादातर नहीं ही मिलता है। जैसे मैं अभी बताऊं कि मैं जो लेक्चर ले रहा हूं उसमें 85 स्टूडेंट होने चाहिए लेकिन आते कितने हैं, तो 20 लोग, बाकी के लोग नहीं आते। तो मेरा जो आउटपुट है वो 20 तक ही पहुंचता है। मैं ऐसा सोचता हूं कि 85 लोगों तक मेरा आउटपुट पहुंच जाए तो पहुंचता नहीं है, लेकिन ये बिजनेस नहीं है वो अलग बात है। लेकिन जब भी आप इनपुट देते हैं पूरा आउटपुट मिलता नहीं, लेकिन यहाँ ब्रेकिंग एनालिसिस में हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपकी जो प्लांट की कैपेसिटी है वो 1,000 पाउच बनाने की है और आप सबके सब बेच देते हैं और आपके पास 72,000 रुपये का फिक्स्ड कॉस्ट है, तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंचने के लिए कितना पैसे का प्रॉफिट लेना पड़ेगा कोई बता सकता है क्या? तो ये जो डेटा है ब्रेक इवन एंड पॉइंट में मैंने जो बताया है 72,000 रुपये पूरे साल का फिक्स्ड कॉस्ट है और आपके प्लांट की कैपेसिटी 1,000 पाउच की है। अभी मैं आपको एक्सेल शुरू करके दिखाता हूँ। यहाँ एक्सेल मैंने बना के रखी है उसके लिए। ये समझो आपका फिक्स्ड कॉस्ट 72,000 रुपया है और आपके प्रोडक्शन की कैपेसिटी 1,000 पाउच पर डे की है। यहाँ मैंने पूरा लिखा है कौन सी आइटम है, तो फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट में 12,000 रुपया पूरे साल का पर गया। प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, 1,000 पाउच पर डे। यहाँ वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस अभी देखने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन समझो जो भी है यहाँ मैं जीरो कर देता हूँ। तो यहाँ हमको सेलिंग प्राइस कौन सी रखनी चाहिए, समझो हमको कोई मुफ्त में भी दे के जाता है कि चलो ये तुम रखो तो भी मुझे भाड़ा निकालना है, तो यहां मुझे उसको 20 पैसा करूंगा तभी उसका प्रॉफिट और लॉस जो कुछ भी है वो जीरो हो जाएगा। वो कैसे होता है, तो आपका पूरे साल का 72,000 रुपया है, मतलब महीने का कितना हो गया 12 महीने, तो 6,000 रुपया महीने का भाड़ा हो गया, फिक्स कॉस्ट हो गया 6,000। अभी आपकी कैपेसिटी कितनी है 1,000 पाउच की, तो 30 दिन का महीना गिना 30,000 पाउच आ जाएंगे। 30,000 पाउच में से आपको 6,000 रुपये निकालने हैं, तो एक पाउच को कितना ज्यादा बेचोगे, जितना है उससे कुछ ज्यादा बेचना पड़ेगा। समझो आपका कॉस्ट 20-25 पैसा का है, 0.25 पैसे रुपया आ रहा है, तो आप 20 पैसे में बेचोगे तो नहीं आएगा, उसको वही भाव में बेचोगे जितने में लेके आया उतना ही आप दे देगो, जितने पड़ा उसने एक पाउच बेच रहे हो, तो आपको 6,000 रुपया घाटा हो रहा है। मतलब भाड़ा भी दे रहे हो और उसको ऊपर 6,000 रुपया जा रहा है, मतलब 72,000 और दूसरे 72,000 आप लॉस में जा रहे हो। तो उस वक्त आपकी सेलिंग प्राइस आपको क्या रखनी है ये तय करना है आप
मैंने वहाँ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या डाला है बाद में दिखाता हूँ, लेकिन आप समझो कि इसको 35 पैसे रखते हो, 35 पैसे रख के चल रहे हो, तो भी 3,000 रुपये का घाटा है, माइनस में जा रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो उस वक्त यहाँ आप ट्रायल एरर से, मैं तो बता रहा हूँ, ट्रायल एरर की जरूरत करने की जरूरत नहीं है। फिजिकली क्या है कि आपका जो प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट पर पाउच आ रहा है, तो आप दिन के 1,000 पाउच बेचते हो और 20 पैसा प्रॉफिट लेता हो तो आपको 200 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, समझ रहे हो? तो मैं अभी 20 पैसे का प्रॉफिट करता हूं 0.45 करके, तो 20 पैसे का प्रॉफिट कर दिया, मतलब जितना मुझे मेरी इनकम है उतना मेरा खर्च हो रहा है, मतलब 200 रुपये मैं कमा रहा हूं लेकिन रोज का भाड़ा मैं 200 रुपया दे भी रहा हूं, क्योंकि 360 दिन का आप वो गिन लीजिए, मैंने इसमें अप्रोक्सीमेशन पूरे साल में, मतलब यू हैव टू कंसिडर 360 डेज ईयर, ये अपने इंडियन स्टाइल में मैंने कारतक मक्सर के हिसाब से गिना है और ये एक एजम्पशन लिया है गिनने के लिए, वरना दूसरी तरह से भी हम गिन सकते हैं, 365 का भी लग सकता है। तो मैंने यहाँ ये फॉर्मूला बना के रखा है, यह देखिए ये तो लिखा है मैंने, तो ये सब कैलकुलेट कर रहा है, तो क्या आपका जो B5 - B4, तो B5 या -B4 है वो आपका सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये B5 है और ये B4 है, उनमें से मुझे माइनस करना है, और अच्छे से साथ ठीक है स्क्रीन में दिख रहा है, उनको मैं 30 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और उसको मैं मेरी कैपेसिटी जो है उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब B5 - B4 है मेरा एक पाउच का प्रॉफिट है, B3 से मल्टीप्लाई करता हूं इसका मतलब है मेरा पूरे दिन का प्रॉफिट है, और 30 से मल्टीप्लाई करता हूं उसका मतलब मेरा पूरा महीना का प्रॉफिट है, उसमें से मैं क्या माइनस कर रहा हूं, तो B2 क्या है, ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है, उसको 12 से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये जो मैं फॉर्मूला डाला है, ये फॉर्मूला डालने से मुझे यहां दिख रहा है कि मैं जितना भी मैं यहां कॉस्ट हो रहा है, समझो कि मेरा ये 0.55 पैसे में एक तरह पाउच बन रहा है, तो मुझे यहां क्या भाव रखना होगा, तो समझ लो कि 20 पैसा का ही मार्जिन आएगा, तो ये 75 पे बेचूंगा तो मेरा 0 खर्च हो जाएगा, तो ये जो 0 पॉइंट हमारा कब आएगा, कहां आएगा, उसका जो कैलकुलेशन है उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ब्रेक इवन पॉइंट कहां पे है हमारा, ये सेलिंग प्राइस पे आ रहा है, और कॉस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी समझो हमारी 1000 की है, लेकिन समझो कि आपके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी 1000 की है लेकिन आपकी वेरिएबल कॉस्ट समझो अभी 25 पैसे आ रही है और आप 1 रुपया बेच रहे हैं, अभी आप समझिए कि आपको 1000 की कैपेसिटी है लेकिन एक दिन में कितने मिनिमम बनाने पड़ेंगे, 1000 से ज्यादा नहीं बना सकते, लेकिन समझो कि आपने सोचा कि मैं 1000 नहीं 200 बनाता हूं, तो क्या हो जाएगा, तो मेरा लॉस हो रहा है, 200 पाउच बेचूंगा तो नहीं चलेगा, तो मैं क्या अगर 225 बनाऊं तो भी नहीं चलेगा, अभी मैं समझो 250 पे जा रहा हूं तो भी नहीं चलेगा, अभी 275 बनाऊं तो 275 आ रहा है, मतलब यहां मुझे जो मिल रहा है 260 पे भी नहीं है, 262 पे नहीं है, 265 पे नहीं है, 267 पे, हाँ 267 पे, 266 पे, 266 और 67 के बीच में मुझे मिल रहा है, मतलब 266 पाउच अगर मैं बनाता हूँ तो मुझे लॉस हो रहा है और 267 पाउच बनाता हूँ तो ये मेरा प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे एग्जैक्टली जीरो पे जाना नहीं है, क्योंकि पाउच कभी आधा नहीं बनता, अभी आप 266.66 करेंगे तो भी आ जाएगा, या 266.67 करेंगे तो भी आ जाएगा, क्योंकि वो मैथमेटिकल है, लेकिन पाउच कभी इंटीजर ही होता है, वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है, नंबर होता है, तो हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी के अंदर रह के मुझे कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा ये भी ध्यान में आता है, या आप फुल कैपेसिटी पे जाइए तो आपको पता चलेगा कि मुझे 16,500 का प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये एक मेथड है, ये महीने का प्रॉफिट आ रहा है,
तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसी एनालिसिस है जिसमें हमें मुझे अगर मेरा वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस मालूम है तो मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या रखनी है, तो वो जो क्वांटिटी आ रही है वो ब्रेक इवन पॉइंट है मेरा, बीईपी। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट हमारा बिजनेस में पहले हमारे दिमाग में होना चाहिए। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद है सीवीपी एनालिसिस। हम टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं, फिर से बता दूं मैं रिवीजन करके कि मैक्रो टर्मिनोलॉजी में देखी थी कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट और फाइनेंशियल इंटरमीडिएट रिस्क क्या है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम समझ रहे हैं, क्योंकि जब भी बिजनेस करना होता है हम मार्केटिंग मैनेजमेंट भी कर लेंगे और पर्सनल मैनेजमेंट भी कर लेंगे और मैन्युफैक्चरिंग का मैनेजमेंट कर लेंगे, लेकिन फाइनेंस का मैनेजमेंट थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि हम इंजीनियर हैं, हमने यह कभी पढ़ा ही नहीं है। तो ये मैक्रो टर्मिनोलॉजी मैंने समझाई थी, वो पिछले वीडियो में होगा। इसके बाद ये भी माइक्रो टर्मिनोलॉजी, प्रोजेक्ट हम करते हैं तो उसका कॉस्ट क्या होता है, उसके लिए सोर्स लाते हैं तो कैसा होता है, फिक्स्ड एसेट क्या है, करंट एसेट क्या है, इक्विटी फंड और डेब्ट फंड क्या है, जो मैं पैसा खुद निकालता हूँ उसको इक्विटी फंड बोलते हैं और डेप मतलब जो उधार पे लाता हूँ उसको डेप फंड बोलते हैं, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। अभी जो मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे गया था उसमें तीन चीज आई थी, वो भी मैंने लेक्चर में समझाई थी। हम जो भी बनाते हैं उसका सेलिंग प्राइस क्या रख रहे हैं, उसके लिए हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। फिक्स्ड कॉस्ट वो है जो प्रोडक्शन के साथ वेरी नहीं होती, और वेरिएबल कॉस्ट वो है जो प्रोडक्शन होने के साथ साथ वेरी होती है। ये तीनों चीज अगर समझ में है तो उसके बाद ही हम ये ब्रेक इवन पॉइंट समझ पाते हैं, जिसको हमने भी समझा कि हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट ये है, सेलिंग प्राइस ये है, वेरिएबल कॉस्ट ये है और हमारी टोटल कैपेसिटी ये है। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे ढूंढेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? तो जो हम प्रॉफिट भी नहीं है और लॉस भी नहीं है, यह मतलब कि हमने जितने पैसे लगाए हैं वो पैसे सब वापिस आ गए, हमारी मेहनत मजदूरी का पैसा हमें नहीं मिला है, लेकिन समझो कि हमने सब गुजराती होता है ना, घरों घर रह गया, तो वो ब्रेक इवन पॉइंट है। इसके बाद सीवीपी एनालिसिस क्या है? तो सी मतलब कॉस्ट, वी मतलब वॉल्यूम, पी मतलब प्रॉफिट। तो हर एक चीज में तीन चीज होती है, जैसे फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट वो सी, वी मतलब वॉल्यूम हमारी कैपेसिटी जो है, मैंने बताया हजारों हजार पाउच तो आपके वॉल्यूम, और प्रॉफिट जिसमें आता है आपका जो सेलिंग है उसमें से आपका कॉस्ट माइनस करो तो जो बचता है वो प्रॉफिट। तो इसकी एनालिसिस भी अलग अलग, सीपी एनालिसिस यहां पे समझते हैं। अभी कॉस्ट में फर्क करने के बाद मेरे प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ता है, या मुझे प्रॉफिट बढ़ाने के लिए मेरा वॉल्यूम और प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, ये सब यहाँ एनालिसिस को जो करते हैं उसको सीवीपी एनालिसिस कहते हैं। यह मैं ऐसे ही डायनेमिक एनालिसिस दिखा रहा हूँ, वरना ये टेब्यूलेटेड फॉर्म में भी बना सकते हैं। पूरा का पूरा एक चार्ट बना दीजिए जिसमें आप अलग अलग हेडिंग दे दीजिए और सबके सब वैल्यू डालते जाइए और यहाँ आपके एनालिसिस ध्यान में आएगी। लेकिन समझो आपका 72,000 फिक्स्ड कॉस्ट है, लेकिन दूसरे साल में आपको बताया गया है आपके जो भाड़े पे प्लॉट रखा है या शेड रखा है आपने जीआईडीसी ने, कि नेक्स्ट ईयर आपका जो 72,000 है वो 96,000 हो जाएगा, ऐसा आपको बताया गया है। तो नेक्स्ट साल के लिए आप सीवीपी एनालिसिस करना कि भाई अभी तो मेरा ये चल रहा था 72,000 में, रोज का 1,000 पाउच बना लेता हूँ और 1 रुपया में बेचता हूँ, 25 पैसा कॉस्ट है, और नेक्स्ट ईयर मेरा बढ़ने वाला, अभी तो मैं एक महीने में 16,500 का प्रॉफिट कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो मेरा 96,000 का हो जाएगा तो क्या होगा? तो 96,000 करने के बाद तो ठीक है 2,000 में फर्क पड़ता नहीं कुछ ज्यादा, टेंशन लेने का नहीं, लेकिन फिर भी 2,000 रुपया आपको ज्यादा कमाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? इतना रुपया तो लोगों को 1 रुपये में दे रहे हो, उसको बोलो कि 1 रुपया 10 पैसे में दे दो, तो आप सिर्फ 10 पैसे का पाव पढ़ाते हैं तो आपका 17,500 हो जाता है, लेकिन कोई भी आदमी अभी 10 पैसा तो देता नहीं है, और आप भाव बढ़ाएंगे तो आपका कॉम्पिटिटर आपको खा जाएगा। तो उस वक्त आप 1.00 रख के यहाँ 1,000 पाउच की कैपेसिटी है उनके बारे में सोच सकते हैं, अभी भाई देखो वो बड़ा बढ़ा रहा है तो मुझे भी कुछ नया प्लांट में डालना पड़ेगा, 96,000 के साथ में थोड़ा इन्वेस्ट भी कर देता हूँ, तो 96,000 के साथ आप सोचते हैं कि चलो दूसरा मैं 30,000 का इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ नया प्लांट का साइड में, दूसरा पैकिंग वाला लेके आता हूँ, तो आप 1,25,000 का सब डाल देते हैं, एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया मतलब कर दिया वो फिक्स्ड कॉस्ट में चला जाएगा। अभी आपको 16,500 बचता है, आपकी कैपेसिटी इतनी बढ़ाई है, आपने समझो कि 250 पाउच की बढ़ा दी है इतना इन्वेस्टमेंट करके, तो आप 250 पाउच रोज 1,250 पाउच बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो बिना वेरिएबल कॉस्ट आपने इंक्रीज किए, सेलिंग प्राइस बढ़ाए, आपने
आपकी कैपेसिटी बढ़ा दी, भाड़ा बढ़ गया साथ में, तो आपका प्रॉफिट भी आपने बढ़ा दिया। तो ये एक एनालिसिस का प्रकार है, कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट कब कैसे बढ़ाऊंगा मैं, तो इसकी पूरी की पूरी जो जानकारी लेने का जो प्रयास है उसको CVP एनालिसिस कहा जाता है। मैं मानता हूं कब समझ में आया होगा। और ये जो भी कर रहे हैं उसमें आपका फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से डालनी है, अगर नहीं डाली है तो आप कुछ कंफ्यूजन खड़े हो सकते हैं। यहां मैंने अप्रोक्सीमेट किया है, यहां ये जो फॉर्मूला डाली है यहां ऊपर देख रहे हैं आप, तो मैंने उसमें 365 डेज नहीं लिए, तो 5 डेज का इधर उधर जा रहा है। वैसे भी आप देख सकते हैं कि 5 रुपये का उधर उधर जा रहा है, तो वो ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला इसलिए नहीं कि 5 दिन हम शटडाउन भी लेते हैं, प्रोडक्शन बंद भी रहता है, तो कुछ भी होता है। तो इतना अप्रोक्सीमेशन अगर हम करते हैं छोटे से बिजनेस में, इतना 1.25 लाख रुपये वाले में, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब भी बड़ा बिजनेस लेके बैठते हैं तो उस वक्त हमें एक एक मिनट का भी हिसाब रखने की आदत डालनी पड़ती है। तो ये था हमारा CVP एनालिसिस। भाई जो नेक्स्ट टर्म है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है ये भी एक समझना जरूरी है। समझो मैं आपको बताऊं कि आप बिजनेस में कुछ सोच रहे हैं कि मैं एक 50 लाख रुपये का बिजनेस डालूं, आपके पास 25 लाख रुपये पड़े हैं, तो 25 लाख रुपये आपने बिजनेस में डाले और 25 लाख का लोन लिया, तो 25 लाख का जो लोन लिया है उसको डेब्ट फंड कहा जाता है, और पच्चीस लाख का, और दूसरे जो 25 लाख हमने डाले हैं उसको इक्विटी फंड कहा जाता है। मतलब 50 लाख का कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उसमें से इक्विटी फंड 25 लाख का, डेब्ट फंड 25 लाख का। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, तो 25 लाख में आप ब्याज दे रहे हो, 25 लाख में बैंक को ब्याज दे रहे हो, तो आपको खर्चा पड़ रहा है 25 लाख का, और बाकी के 25 लाख है वो मुफ्त का नहीं है। आप 25 लाख रुपये अपने घर के डाल रहे हो, अगर आपने कहीं और शेयर बाजार में डाला होता या कहीं दूसरा मकान का या प्लॉट लगे इधर की होती या अपने बैंक के FD में भी रखे होते तो भी आपको कुछ इंटरेस्ट मिल जाता। इसका मतलब है आपके 25 लाख है उसका भी कुछ आप फायदा लेते अगर आपने बिजनेस में नहीं डाला होता। ऐसे कैसे आप उसकी पूजा नहीं करते, इसकी केस की गड्डी बना के आप उसमें मंदिर में रख के उसकी आरती उतारते ऐसा नहीं करते, उसकी नमाज पढ़ते ऐसा नहीं करते, उसकी प्रेयर करते ऐसा नहीं करते। आपको आपके 25 लाख है आपने बैंक में डालने के बदले आपने कहाँ डाला है, तो आपने बिजनेस में डाला, तो उसके ऊपर जो आपने बिजनेस नहीं किया तो जो रिटर्न मिलता वो भी गिनना है, और आपने जो लोन ली है उसका ब्याज भी गिनना है। तो आपका 50 लाख के ऊपर आपको जितना खर्चा पड़ रहा है उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। तो उसको भी इसकी एवरेज निकालनी चाहिए, और एवरेज निकाल के आप उसकी टकावारी देख सकते हैं कि बैंक का ब्याज समझो कि 12% है, हम भी सोचते थे कि हमारा 25 लाख में से मुझे 16% मिलना चाहिए इंटरन, तो ऐसा मिला के आप सोचेंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होता है, तो ज़्यादातर 10% 15% तक जाता है। या आप जो भी है उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल उतना डालना है। मैं काफ़ी बिजनेसमैनों के साथ बैठा हूँ जो छोटा छोटा बिजनेस करते हैं अपने यहाँ गांव में फागुज में, तो उसको बोल रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप कितना गिनते हैं, तो बोलते हैं हम व्यापारी ब्याज बोलते हैं, व्यापारी ब्याज 2% गिनते हैं, मतलब 24% गिनते हैं। जब तक 24% छूटता नहीं है उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल वहीं का वहीं रहता है, वैसे बोलते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से गिन सकते हैं। 14वें नंबर पे है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये भी एक अलग सोच है, ये सोचना बहुत जरूरी। इसके लिए मैं अभी टाइम तो हो गया लेकिन फिर भी मैं चालू रखता हूँ, ये पूरा अपना ये पेज पूरा कर लेते हैं, आज थोड़ा लेट शुरू किया है। लेकिन कोई भी बिजनेस करते हैं तो हम रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ये सोचना जरूरी है। हम जो भी पैसे लगाते हैं तो कितना कमाते हैं और कितना जल्दी कमाते हैं वो दोनों सोचना जरूरी है। किसी को आप पूछिए कि आप कितना कमाते हैं, तो बोलता हूँ 50,000 कमा लेता हूँ। अब हम प्रसन्न हो जाते हैं, क्या बात है 50,000 रुपया कमा लेता है। लेकिन उसको साथ वो भी उसको बोलना है 50,000 रुपया कितने समय में, तो बोलेगा 50,000 पूरे साल में कमाता हूँ तो मतलब नहीं, और अगर बोलता है 50,000 पूरे दिन में कमाता हूँ तो वो अलग चीज़ हो जाती है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही वो तो सोचना ही है, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी बिजनेस में सोचना जरूरी है। तो उसके ऊपर हमने जो देखा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे गिनते हैं, सालाना गिनते हैं कि एक साल में मुझे कितना ब्याज देना पड़ेगा बैंक को और मेरे को कितना रिटर्न मिलेगा, उसके हिसाब से कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है उसका रेट भी हम सालाना निकालते हैं कि पूरे साल में मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिलेगा। तो समझा आपने 50 लाख का बिजनेस शुरू किया और पूरे साल के बाद आपने अगर बिजनेस नहीं किया होता तो कितना ब्याज मिल जाता, तो
आप सोचते हैं कि समझो कि मुझे 3 लाख रुपए मिल जाते हैं और आपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गिनना है तो 50 लाख बिजनेस ने करने के बाद आपको समझो कि पूरे साल में आपके 50 लाख के साथ 10 लाख रुपए दूसरे आ गए, मतलब आपके पास अभी 60 लाख रुपए हो गए हैं। तो आपने 10 लाख कमाए हैं और 50 लाख का इन्वेस्टमेंट था, तो आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट गिना जाता है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का और उसके हिसाब से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माना जाता है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो हमेशा याद रखना है, बिजनेस करना है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा ही होना चाहिए। समझो आपके पास 25 लाख रुपया पड़ा है और आपने बैंक में रखा और आप आराम से IPL देख रहे हो पूरे साल, और 25 लाख का ब्याज आपको पूरे साल में समझो 2.5 लाख मिल जाता है। अभी आपने बिजनेस शुरू किया है 25 लाख में, पूरे साल IPL देखने के, तो सोचो खाने का टाइम नहीं, इधर उधर दौड़ रहे हैं दौड़, और 25 लाख के सामने आपको 2.5 लाख रुपये मिल रहे हैं दौड़ने के बाद भी। तो मतलब आपको बिजनेस में आपने दौड़ दम किया, आपने खून बया, कुछ नहीं किया, इसके बजाय तो आपको बैंक यूं ही 2.5 लाख रुपये दे रही है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उतना ही अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए, ऐसे आराम से बैठे रहना चाहिए। तो लोग पैसा क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसको पता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कुछ ज़्यादा नहीं मिलता है। और जब भी किसी भी इकोनॉमी को बढ़ाना होता है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उनको कम करना चाहिए। जब भी किसी आदमी को पूछो कि आपके पास कितना पैसा है, तो 5 लाख क्या क्या है, तो पोस्ट ऑफिस में रखा है, क्यों रखा है, तो 5 लाख के ऊपर मेरे पूरे साल में वो 10% रुपया देता है, मतलब 50,000 रुपया मिल जाता है। अगर 5 लाख के ऊपर 50,000 रुपया उसको ऐसे ही मिल जाता है तो उसका मतलब महीने 4,000 मिल रहा है, तो 5 लाख रुपया क्यों बाजार में डालेगा। लेकिन पोस्ट ऑफिस में बोलेगा 5 लाख रखो तो क्या होगा, क्योंकि पूरे साल में रखूंगा और पूरे साल का 5,000 रिटर्न दूंगा, तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसके हिसाब से कम होती जाती है। बैंक में भी जो ब्याज की दर कम होती है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है। तो ऐसी हालत में हम बिजनेस के बारे में सोचते हैं कि कुछ मेहनत करेगा पैसा मिलेगा, क्योंकि तो पैसा रखने से कुछ फायदा नहीं हो रहा है। बैंक वाला भी मेरे पास से कम कर्जे में मुझे पैसा दे रहा है, तो मैं उसके पास से कम कर्जे में पैसा लूं, मेरा पैसा भी बैंक में नहीं रखूं और मैं कुछ मेहनत करूं, तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा, तो बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनता है। वरना क्या हो जाता है, हम सब पोस्ट ऑफिस में रखते हैं पैसा, बिजनेस में कोई ज़्यादा नहीं है, और बिजनेस में नहीं जाता है तो अपने देश का विकास नहीं होता है, आमदनी GDP नहीं बढ़ती है। तो इसलिए जो अभी ये गवर्नमेंट ये कुछ कुछ कर रही है, आप देख रहे हैं कि रेपो रेट में बढ़ोतरी हुई या नहीं हुई, आप कभी भी देखना बैंक में आएगा रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ाया, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाया, जो कुछ जो कुछ भी आ रहा है ये आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंट्रोल करने के लिए आ रहा है। इसलिए ये सब सोच के आपके बिजनेस में आगे आगे का मार्गदर्शन आपको मिलता रहता है कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको गिनना चाहिए और कॉस्ट ऑफ ये कैसे गिनते हैं उसके बारे में पूरा का पूरा वेब चैप्टर्स होता है। हम डिप्लोमा वाले हैं, डिप्लोमा मैकेनिकल वाले हैं, उसको हमारी जो स्किल है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, उनको हमें अगर एंटरप्रेन्योर बन के कुछ बिजनेस में डालनी है तो उस वक्त हमें बेसिक कंसेप्ट अभी ये मालूम होने चाहिए। अगर ये है तो एक पार्टनर भी ऐसा है, कॉमर्स वाले को रखना चाहिए, आपने किसी को जोड़ देना चाहिए कि जो अपना ये सब देखता रहे, तो आसान रहे, लेकिन बेसिक टर्मिनोलॉजी मालूम होनी चाहिए। इसके बाद है 15वें नंबर पर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है, समझो कि हमारे पास एसेट तो बहुत है, 50 लाख का बिजनेस खड़ा किया है तो उसमें से 40 लाख की प्रॉपर्टी है, सब मशीन है, मटेरियल है, फर्नीचर है, सब कुछ पड़ा है, और 10 लाख है कुछ इधर उधर का खरीदी करने के लिए है, तो जो 10 लाख रखे हैं उसको लिक्विड मनी माना जा रहा है। वो बैंक में है या हाथ पे है, मतलब रोकड़े में है या बैंक के अकाउंट में पड़े हैं जिसको मैं कभी भी उठा सकता हूं, तो वो लिक्विड मनी है। वो इसी फंड में नहीं होने चाहिए, मतलब FD में नहीं होने चाहिए, ऐसे ऐसे जो है लिक्विड। तो किसी भी जगह में पेमेंट करनी है तो क्या करोगे, भाई मुझे सोने का दागिना बेचना पड़ेगा, तो ये लिक्विडिटी नहीं मानी जाती। लिक्विडिटी मतलब अपने हाथ में रहे हुए पैसे, मतलब टर्म लिक्विडिटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू डिस्चार्ज द डेट एज इट बिकम्स ड्यू। जब भी हमें किसी को पैसे देने होते हैं तो हमारी क्षमता होनी चाहिए उनको पैसे देने की। अगर आपके पास पैसे नहीं तो क्या करते हो, तो आपकी मिलकत की हराजी हो जाती है। जैसे अभी अभी हमारे बहुत ही बड़े बिजनेसमैन ने जाके कोर्ट में बल दिया कि मेरे पास एक कार है और मेरी बीवी के गहने बेच के मुझे घर में चलाना पड़ता है, मेरे पास तो कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब उसके पास कुछ नहीं है, वो कोई नादार हो चुका है, देवादार हो चुका है, देवादार नहीं नादार, मतलब द पर्सन हु इज नॉट एबल टू पे हिज डेब्ट। अपने पास जो कुछ भी है कुछ सब कुछ दे देने के बाद भी उसके ऊपर कर्जा तो है ही, ऐसे बन जाते हैं। तो ये तो बात की बात है, लेकिन हमारे पास
वो चीज़ भी नहीं आनी चाहिए। लिक्विडिटी मतलब हमें हमारा पैसा जिसको देना है तो हमारे पास इतने पैसे होने ही चाहिए कि कोई चीज़ बेचनी ना पड़े, तो अच्छी लिक्विडिटी है ऐसा माना जाता है, वरना हमारी लिक्विडिटी बुरी है। तो हमारी कैपेसिटी कितनी है, पैसे देने के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। समझो कभी कभी हम जाते हैं बाजार में, किसी जेब में अपने पास 300 रुपये पड़े हैं कैश में, और कुछ हमारे पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या वॉलेट कुछ नहीं है सिर्फ, पर है अगर तो भी वहाँ कहीं पे कोई लेने वाला नहीं है, सब जगह पहुँच गए हैं और खाते हैं खाना है क्या करोगे, तो पूछते हैं कि भाई 300 रुपये लग जाएगा, तो हमारे पास देखते हैं जेब में भी 300 है वहाँ खाने का भी 300 है, तो हम सोचते हैं कि भाई 300 दे जाएंगे वापस कैसे, क्योंकि यहाँ तो ये हम जो गाँव में आए हैं वो एकदम पिछड़ा हुआ गाँव है जहाँ कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता ही नहीं है, तो मेरी लिक्विडिटी जीरो हो जाएगी, तो बाद में क्या करना पड़ेगा। समझो 300 रुपये में मैंने खाना खा लिया और कुछ पैसा नहीं है, तो आपके पास अगर कोई सोने की वीटी है वो बेचनी पड़ेगी वहाँ दे दो, या घड़ी देखनी पड़ेगी भाई घड़ी रखो और मुझे वहाँ जाने, तो यू हैव टू सेल योर प्रॉपर्टी, इज नॉट ए गुड कंडीशन, ये लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी मतलब आपको जब भी कहीं पैसा देना है आपको पास पैसे होने चाहिए। तो पहले क्या कैश में व्यवहार होते था, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बनाया है, भीम ऐप का यूज़ करते हैं, ये सब लिक्विडिटी बढ़ा रही है। अगर आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आपके अपने पासवर्ड से खामी इंप्रेशन से आप अपनी पैसे पड़े हैं लेकिन आप उसको ट्रांसफर नहीं कर पाते पहले ज़माने में, अभी आप कर सकते हैं कहीं, तो लिक्विडिटी आम जीवन में बढ़ रही है, बिजनेस में तो हो तो हुआ ही कर देते। तो लिक्विडिटी क्या है, हमारे पास जो पैसे देने हैं उस देने की क्षमता, उसको लिक्विडिटी बोला। 300 देने हैं लेकिन मेरे खेत में 3000 पड़े तो हमको टेंशन नहीं होता है, 30000 पड़े तो और टेंशन नहीं होता है। तो लिक्विडिटी जितनी ज़्यादा होती है इतना टेंशन हमें कम रहता है, ठीक है। आज यहाँ रखते हैं, इसके बाद वाली जो टर्म है एसेट टर्नओवर डेबिट रेशियो ये सब हम अभी बाद में देखेंगे, यहाँ तक अभी हम रखते हैं। ये सब लेक्चर आपने देखा उसके लिए आपका धन्यवाद।